सील कर दिया गया था इंतजामिया की जानिब से, और अभी तक जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप है उन्होंने क्या इकदाम किए हैं डी सील करने के हवाले से? डी सील के हवाले से आज सुबह भी मैं गया था बायोमेट्रिक्स, मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किए थे और हमारे वकील वहाँ पे अल्लाह भला करे सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं और उनकी बेटी हैं। मज़े की बात ये बताता हूँ कि ये आप इधर सेक्रेटेरिएट में चले जाएँ तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर या ताले नहीं है। मैं मिनिस्टर पावर था तो ये सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ था, सुबह 8:30 बजे हमारी मीटिंग की, बाहर से डेलीगेशन आए हुए थे तो कोई आवाज़ छत में से आनी शुरू हुई, कोई चीज़ दौड़ रही थी इधर उधर, मैंने बेल बजाया, मैंने कहा ये क्या चीज़ हो रही है? कहते हैं जी ऊपर चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा हालात यहाँ पे ये हैं कि ये सेक्रेटेरिएट में चूहे दौड़ रहे हैं और आजकल वज़ीर आज़म हाउस में भी 4 टांगों वाले भी दौड़ रहे हैं और 2 टांगों वाले भी दौड़ रहे हैं, तो ये नहीं पता, तो वहाँ पे तो जाके उनको पहले वो वज़ीर आज़म हाउस और ये सेक्रेटेरिएट सील करना चाहिए। और भी मज़े की बात बताऊँ कि आपके पिम्स में, ये कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो MRI वो CT स्कैन मशीन थी वो जल गई थी क्योंकि उसकी वायरिंग पे वो चूहों की गंदगी और बाकी कॉकरोचेज की गंदगी की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो गई थी। तो म्यूनसिपल अथॉरिटी, तो ये बाकी अथॉरिटी CDA, अच्छा ये अपने CDA को और म्यूनसिपल अथॉरिटी जिन्होंने सील की है, आप साथी अभी इधर से चले जाएँ और उस डायरेक्टर जनरल या जो भी उनका सरबराह है उसकी कैंटीन के अंदर आप उसकी सफाई देख लें तो मैं मान जाऊंगा, उसकी हालात वहाँ पे देख लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।